मधुपुर शहर के भिड़वा निवासी दिव्यांग पिंकी देवी के चेहरे पर उस वक्त मुस्कान दौड़ गई जब मधुपुर पथल चपटी स्थित अपने आवास में सूबे के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन मंत्री हफीजुल हसन व अंचल अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा के हाथों राशन कार्ड दिया गया। आपको बता दें कि पिंकी देवी व उसके पुत्र एक पुत्र दिव्यांग है, वह भिक्षा मांग कर गुजर बसर करती है। वहीं जब अंचल अधिकारी परमेश्वर कुशवाहा को इस बात का पता चला कि उक्त महिला सरकारी लाभ से वंचित है तो उन्होंने पिंकी देवी व उसके पुत्र का दिव्यांग पत्र सहित पेंशन का लाभ दिलाया। वहीं आज मंत्री हाफिजुल हसन के हाथों राशन कार्ड दिया गया। मौके पर मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा कि झारखंड सरकार हर जरूरतमंद को दिव्यांग, वृद्धा, विधवा सहित अन्य सरकारी लाभ पहुंचा रही है। साथ ही हेमंत सरकार के द्वारा सरकार आपके द्वार लगवाकर एक एक जरूरतमंद व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। मौके पर अंचलाधिकारी परमेश्वर कुशवाहा ने बताया कि सरकार के द्वारा हर एक जरूरतमंद को सरकारी लाभ दिया जा रहा है। वहीं आज गरीब असहाय पिंकी देवी को भी राशन कार्ड का लाभ दिया गया। वहीं पिंकी देवी ने राशन कार्ड पाकर सभी का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद दिया। मधुपुर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। गाड़ी मिला गड़िया ब्लॉक में, हमको आधार कार्ड बना, विकलांग पेंशन चालू हो गया, राशन कार्ड बन गया। अभी भैया मंत्री जो हैं कोई हमको राशन कार्ड बनवा दिए हैं और सभी लोग हमको मिल के मदद किए हैं, मेरा बच्चा के लिए भी बहुत कुछ किए, इनके लिए धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? पिंकी देवी। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।